यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाज कल्पेश और भाविक वक्रतुंड की ओर से कुणाल चौधरी। ते ही प्रहार किया है, चौका बटोरा है भाविक ने, बाउंड्री को घायल कर दिया चौका। स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। आसान सा कैच बनाया शैलेश चौधरी ने, चलता किया भाविक को। It's a wonder weekend. Sponsored by Balkrishna Jewelers. बड़ा विकेट, बड़ी मछली फंसाई कुणाल चौधरी ने। बल्लेबाज जाहिद लेकिन बढ़िया उस पिच बढ़िया गेंद कर दी, फिर की पड़ ही नहीं पाए जाहिद। ओवर गेंद पैरों से टकराई, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया कल्पेश ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी फील्डिंग केतन पटेल के द्वारा। यहाँ पर स्विच हिट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संगम ही नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर नीरज पटेल के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 4 रन, 1 विकेट नुकसान पर पार चैलेंजर। और ये स्लो ओवर गेंद हेलीकॉप्टर शॉट खेला लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद शैलेश चौधरी, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा जाहिद को। इस बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन, 1 विकेट नुकसान पर पार चैलेंजर। वक्रतुंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर के आ रहे काजी वेलुद्दीन, और बल्लेबाज तैयार जाहिद खान। और वही बैठक शॉट, गेंद सीमा रेखा बाहर, आधे ही 6 रनों से। ये लगा सिक्सर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। इस बाउंड्री से स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों पर 11 रन।
चकमा दिया वहां पर वहीलुद्दीन ने, स्लोअर गेंद पड़ ही नहीं पाए जाहिद खान, डॉट बॉल। बढ़िया ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, गेंद और बल्ले का संगम ही नहीं हुआ, गेंद सीधी पैरों से जाके टकराई को, नहीं को नुकसान नहीं। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए काजी वेलुद्दीन, फ्लाइट कराई गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद और यह आसान सा कैच जाना होगा पवेलियन की ओर। आउट साइड, इट्स अ वंडर विकेट, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। दो बड़े विकेट चटकाए पावर प्ले के ओवर में, अच्छी कप्तानी कुणाल भाई चौधरी के द्वारा। अभी भी स्कोर रुका हुआ 11 रन। वहां पर सी चिट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद। शर्मा देकर खेला वहां पर, सैलेश चौधरी फील्ड करते तब तक तेजी से रन चुराया। इस बीच ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर 12 रन दो विकेट के नुकसान पर पार्थ चैलेंजर। काफी चतुराई भरी बॉलिंग दोनों गेंदबाजों ने। काजी वहीलुद्दीन और कुणाल भाई चौधरी ने पावर प्ले के दोनों ओवर में केवल 12 रन दिए और दो विकेट चटकाए। अब आ रहा है तीसरा ओवर लेकर के कप्तान कुणाल चौधरी। सामना करेंगे नील। अब जो है पावर प्ले पूरा हो चुका है तो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर हो जाएंगे। फील्डिंग की सजावट करते हुए स्लोअर गेंद हवा में रही लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग उधर काजी वहीलुद्दीन, अच्छी फील्डिंग करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। स्लोअर गेंद वहां पर चकमा दिया, वहां पर हल्की सी अपील हुई लेकिन नकारा है अंपायर ने।
हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे वक्रतुंड इंटीरियर के बॉलर कुणाल चौधरी। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर पढ़ ही नहीं पा रहे गेंदबाज बल्लेबाज। एक होनहार खिलाड़ी कुणाल चौधरी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए और वहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन थ्रो काफी स्लो कर दिया केतन पटेल ने। तब तक एक रन तेजी से चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। जाते हुए गेंद वहां पर फील्डर मौजूद शैलेश चौधरी अच्छी फील्डिंग केवल एक ही रन मिलेगा। सिक्स साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। यहां पर चकमा दिया उसी के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़िया गेंदबाजी कुणाल चौधरी के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन बिना 2 विकेट के नुकसान पर पार्थ चैलेंजर। बहुत ही अच्छा स्पेल रहा कुणाल चौधरी का। 2 ओवर में केवल 8 रन दिए। पार चैलेंजर के बल्लेबाजों के हाथ बांध कर रख दिए दोनों गेंदबाजों ने। देखते हैं अब कप्तान किसके हाथों में गेंद थमाते हैं। देखना होगा अगले गेंदबाज नाना बरवाड़। जो सोनगढ़ से बिलोंग करते हैं। चौथा ओवर लेकर के वक्रतुंड इंटीरियर की ओर से फील्ड की सजावट करते हुए नाना बरवाड़। काफी अनुभवी बॉलर ऑलराउंडर खिलाड़ी नाना बरवाड़। बढ़िया गेंद अनिल के पास गेंद गई लेकिन जब तक फील्ड करते तब तक तेजी से रन चुराया। हुआ स्कोर 16 रन। बढ़िया ब्लॉक में डाली हुई गेंद पैरों से टकराई लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। लेग पाए के रूप में एक रन।
बढ़िया गेंदबाजी वहां पर टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नाना बरवाड़। काव कॉर्नर पर खेला है शॉट, वहां पर शैलेश चौधरी फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर नाना बरवाड़ के हाथों में दे बैठे थ्रो, एक ही रन मिलेगा वहां पर। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। बढ़िया बढ़िया वेरिएशन यहां पर, स्लोवर गेंद कर दी यहां पर, चकमा दिया कल्पेश को, अच्छी गेंदबाजी नाना बरवाड़ के द्वारा। ओवर का आखिरी गेंद, स्कोर रुका हुआ 18 रन। फिर से स्लो ओवर गेंद, देखना होगा वहां पर, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, वन बाउंस चौका, बाउंड्री को घायल कर दिया चौका। स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। आईपी ओवर रहा, 7 रन खर्च किए नाना बरवाड़ ने, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे दोनों अंपायर जयदीप रावल, नवीन भावसार, अच्छी बढ़िया अंपायरिंग। पांचवा ओवर लेकर शहबाज पठान आ चुके हैं, पांचवा ओवर लेकर नील तैयार शहबाज का सामना करने के लिए। पहली ही गेंद वाइड योर्कर कर दी वहां पर, बढ़िया गेंदबाजी शहबाज के द्वारा, बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पा रहे गेंद। फिर से योर्कर गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेला लेकिन स्टंप से टकराई गेंद, तेजी से रन चुराया जब तक निरल पटेल फील करते। बढ़ता हुआ स्कोर 23-23 रन। कल्पेश तैयार शहबाज का सामना करने के लिए। लगातार 2 मैच हारने के बाद वक्रतुन इंटीरियर कमबैक करती हुई, बढ़िया ब्लॉक में डाली हुई गेंद, काव कॉर्नर पर जाती हुई गेंद, वहां पर फील्डर तैनात शैलेश चौधरी बढ़िया फील्डिंग करते हैं।
बढ़िया फील्डिंग बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। फील्डर मौजूद अनिल पाटिल, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा वहां पर। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला हो शॉट, वहां पर अच्छी फील्डिंग नीरव के द्वारा अपनी टीम के 3 रन बचाए। जितना अच्छा शॉट उतनी ही अच्छी फील्डिंग नीरव के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर 26। और ये फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया गेंद, सीमर का बाहर 6 रनों के लिए। ये लगा सिक्सर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। विकेट के ऊपर से 5 ओवर की समाप्ति पर 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पार्थ चैलेंजर सेबास के इस ओवर से 10 रन आए। छठा ओवर लेकर के आ चुके हैं काजी वहीदुद्दीन, सामना करेंगे कल्पेश। और पथवार ब्रदर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आते हुए भाविक पाटिल। यहां ब्लॉक में डाली हुई गेंद, एज लगी, थोड़ी देर हवा में रही गेंद, लेकिन कोई फील्डर नहीं पहुंच पाया वहां पर। ब्लॉक में डाली हुई गेंद, तेजी से रन चुराया लेग बाय के रूप में। स्लोवर गेंद, पटकी हुई गेंद, पढ़ लिया। ये लगा सिक्सर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। स्लोवर गेंद, ब्लॉक में डाली हुई गेंद, अच्छा कमबैक काजी वहीदुद्दीन के द्वारा। स्कोर रुका हुआ 39 रन, 13 गेंद में 19 रन बनाकर क्रीज के ऊपर मौजूद नील पटेल।
फिर से ब्लॉक में डाली हुई गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग कप्तान। और ये आउट सेफ, इट्स अ वंडर विकेट, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। हेलो 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 महिनेश गावते गाने खमोन साड़ी लागते ये लगा सिक्सर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। It's a wonder wicket, sponsored by Balkrishna Jewelers.
से। इट्स अ वंडर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। हेलो, सात ओवर 51 रन, 5 विकेट नुकसान पर, 7 ओवर 51 रन, 5 चैलेंजर्स ना, 7 ओवर 51 रन, 5 विकेट।
it. It's a wonder wicket. Sponsored by Balkrishna Jewelers. हेलो वक्रतु इंट्रियल वक्रतु ने जीतवा माटे 60 रन करवाना आजे तमे जोई सको छो अमारा महेंद्र भाई नी फील्डिंग आई छे ने सारी परफॉर्मेंस टीम नो આ એક લકી ચેમ્પ છે અમારા માટે. વેલ પ્લે વેલ પ્લે. હેલો મયુરભાઈનો માણસ સુરેશ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવ્યો. સુરેશ તાત્કાલિક સુરેશ સુરેશ કોમેન્ટરી બોક્સમાં આવે. જયદીપભાઈ આવ્યો 2 મિનિટ.
बढ़िया गेंदबाजी और यहां पर क्लीन बॉल हो गया आउट सेफ इट्स अ वंडर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स अगले बल्लेबाज दीपेश फ्रूट वाला चूके वहां पर दीपेश कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं गेट पास लाइट नहीं उसको बाउंड्री नहीं लाइट प्लीज करंट लग से गेट पास बाउंड्री नहीं लाइट ना उसको भाई कहते पहाड़ी पर बेसी जाओ भाई
लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला तान कोणाल चौधरी ने तेजी से रन चुराया। बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। बढ़िया गेंदबाजी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर दो रन एक विकेट के नुकसान पर। पकरतुन इंटीरियर पहले ओवर में पार्थ चैलेंजर के 5 रन थे और वक्रतुन इंटीरियर के 2 रन। अगला ओवर लेकर के हितेश बॉलिंग मार्क के ऊपर सामना करेंगे कुणाल। सम्मान देकर खेला है वहां पर तेजी से रन चुराया। जितना अच्छा थ्रो उतनी ही अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। और ये पॉइंट और थर्ड मैन के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पास गई लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। दो रन बचाए अपनी टीम के। और ये उठाकर खेला है हवा में गेंद और ये आसान सा कैच बनाकर पवेलियन की ओर। दीपेश आउट से इट्स अ वंडर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। अच्छी गेंदबाजी हितेश के द्वारा। दीपेश का विकेट चटकाया। और ये आते ही शानदार कवर देखना होगा वहां पर। बाउंड्री को घायल कर दिया चौका। स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। बाउंड्री को घायल कर दिया।
और ये लपेट कर खेला, पैरों से टकराई गेंद, तेजी से रन चुराया, स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों पर 10 रन। और ये करारा प्रहार वहां पर, और ये मिसफील्ड करते हुए फील्डर, और वहां पर दूसरी बार भी मिसफील्ड कर दी, और ये नतीजा 4 रन। चौका स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर वक्रतुंड इंटीरियर जीत के लिए 36 गेंदों में 46 रनों की जरूरत, 7.67 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने होंगे। तीसरा ओवर लेकर आए हैं अंकुर राठौड़, सामना करेंगे सेबाज। अच्छा शॉट डीप कवर के ऊपर, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। हल्के हाथों से कट किया वहां पर, डीप फाइन लेग पर 4 रन, बाउंड्री को घायल कर दिया, चौका स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। बढ़िया बल्लेबाजी, पैरों से टकराई गेंद, तेजी से रन चुराया अंपायर, कैसे रन लिख पाई, बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। इनसाइड एज लगी गेंद विकेटकीपर के हाथों में, और ये फुल टॉस गेंद पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। डीप स्क्वायर लेग पर शॉट अच्छा था, 2 रन मिलेंगे वहां पर, स्कोर जा पहुंचा 22-22 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी, और ये शानदार शॉट डीप कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौका, बाउंड्री को घायल कर दिया, चौका स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। स्कोर जा पहुंचा 26-26 रन 2 विकेट के नुकसान पर वक्रतुंड इंटीरियर 11। अब 30 गेंदों में 34 रनों की जरूरत,
अगले गेंदबाज नील पटेल सामना करेंगे कुणाल। सम्मान देकर खेला, गेंद सीधा बॉलर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और ये हवा में गेंद लेकिन हाथों में नहीं आई, केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर नीरव। स्कोर जा पहुंचा 27 रन। और ये स्विच हिट सहवाज के बल्ले से निकलने वाला थर्ड मैन के ऊपर को घायल कर दिया चौका। स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। 31-31 रन। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच, जीत के लिए 27-27 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। डीप पॉइंट पर खेला शॉट, वहां पर केवल एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। 26 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। और ये खराब गेंद, पटकी हुई गेंद हवा में, और ये गलती नहीं करेंगे सुनील यहां पर। It's a wonder weekend. Sponsored by Balkrishna Jewelers. Deep fine leg par shot khela. Acha shot tha, lekin boundary nahi cross karwaya. कुणाल चौधरी का स्थान लेने जा रहे हैं नाना भरवाड़, एक होनहार बल्लेबाज सोनगढ़ से। इसलिए वहां पर कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 32 रन। 6 रन आए इस ओवर से। अब जीत के लिए 4 ओवर में 28 रनों की जरूरत। और दो बड़े बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद, नाना भरवाड़ और सेबास पठान। अंपायर
अगले गेंदबाज भाविक। अगले गेंदबाज भाविक बक्ता। और ये स्लो ओवर गेंद, बिग फाइन लेग की ओर खेल दिया, वहां पर सुनील मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 33 तीन विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से कट किया, वहां पर तेजी से रन चुराया। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। और ये आस, बढ़िया बढ़िया फील्डिंग, अच्छा कैच होता तो बढ़िया कैच था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, 5 रन बचाए सुनील ने अपनी टीम के। स्कोर जा पहुंचा 35 रन, 5वां ओवर प्रगति पर। ओवर गेंद वहां पर, स्कोर रुका हुआ 36 रन, अब 19 गेंदों में 24 रनों की जरूरत, 19 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 36 रन, 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत, 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। कल का मैच का राउंड जो है, पहला मैच पार्थ चैलेंजर वर्सेस राधे कृष्णा 11, अठारह गेंदों में 24 रनों की जरूरत। कल के जो राउंड है, पार चैलेंजर्स वर्सेस राधे कृष्णा 11, 5 बजे, 6:30 बजे वक्रतुन इंटीरियर वर्सेस राधे 11, 8 बजे एम स्पोर्ट सोनगढ़ वर्सेस बथवार ब्रदर्स, और आखिरी मैच 9:30 बजे मॉडर्न लकी लायन सोनगढ़ वर्सेस फ्रूट वाला सुपर किंग।
हल्के हाथों से खेला, एक ही रन मिलेगा वहां पर। बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। और यहां पर मिस फील, और ये 4 रन। रन 41 रन 16 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। और ये शानदार कवर ड्राइव हवा में गेंद, जब तक फील्ड करके तब तक 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा शॉट, पंद्रह गेंदों में 17 रनों की जरूरत। फिर से लपेट कर खेला है, फिर लेग की ओर खेला, केवल एक रन मिलेगा वहां पर। बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, 14 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। तेरह गेंदों में 16 रनों की जरूरत। ओवर की आखिरी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और ये स्विच हिट खेल दिया है फील्डर पीछे पीछे, और ये 4 रन। तारीफ करनी होगी नाना बरवाड़ की, डीप पॉइंट की ओर स्विच हिट खेला और घायल कर दिया चौका। समाप्ति पर 49 रन। बढ़िया शॉट खेला यहां पर नाना बरवाड़ ने, तारीफ करनी होगी नाना बरवाड़ की। ये आप देख रहे हो, ये मैक्सवेल की तरह खेल रहे हैं, जख्मी दिल नाना बरवाड़। ओनर और कैप्टन दोनों घबराए हुए लग रहे हैं मुझे। बारह गेंदों में 11 रनों की जरूरत। और ये पटकी हुई गेंद दिशा से भटके भाविक बक्ता, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन, 12 गेंदों में केवल 10 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत।
कप्तानी पारी खेलते हुए शहबाज पठान 15 गेंदों में 25 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। और ये थर्ड मैन के ऊपर से खेला हुआ शॉट, वन बाउंस, चौका, बाउंड्री को घायल कर दिया, चौका। स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। और ये मैच अपनी झोली में करते हुए और ये लपेट कर खेला है डीप स्क्वायर लेग की ओर, फील्डर मौजूद सुनील। रन लेना था लेकिन मना किया शहबाज ने। दस गेंदों में 6 रनों की जरूरत। और यह दीप थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन हाथ में दे बैठे शहबाज। आउट सेफ, इट्स अ वंडर विकेट, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। अगले बल्लेबाज पाटिल अनिल, 9 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। केवल एक हिट दूर वक्रतुंड इंटीरियर। चकमा दिया अनिल को वहां पर भाविक ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 8 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। और फिर से चकमा दिया वहां पर अनिल ने, 7 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। अच्छे सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर, इस सिंगल से स्ट्राइक रखेंगे अनिल पाटिल। 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। छह गेंदों में पांच रनों की जरूरत। अगले गेंदबाज सुनील कामित,
सामना करेंगे अनिल, छह गेंदों में पांच रनों की जरूरत। काफी अनुभवी खिलाड़ी क्रिस के ऊपर मौजूद पाटिल अनिल, छह गेंदों में पांच रनों की जरूरत। तेज गेंद वहां पर, पहली गेंद डॉट, पांच गेंद पांच रन। बढ़िया रनिंग, दो रन चुराए, चार गेंदों में तीन रनों की जरूरत। और यहां पर क्लीन बॉल्ड, आउट सेफ। It's a wonder weekend, sponsored by Balkrishna Jewelers. तीन गेंदों में तीन रनों की जरूरत। अगले बल्लेबाज शैलेश चौधरी, तीन गेंदों में तीन रनों की जरूरत। रोमांचक मुकाबला, इट्स अ वंडर वीकेंड, स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। दो गेंदों में तीन रनों की जरूरत। दो गेंदों में तीन रनों की जरूरत।
यहाँ पर एक गेंद में दो रनों की जरूरत। आउट सेफ। इट्स अ वंडर विकेट स्पॉन्सर्ड बाय बालकृष्ण ज्वेलर्स। एक गेंद में दो रनों की जरूरत। एक गेंदों में दो रनों की जरूरत। सुपर ओवर अगर ड्रॉ होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। और ये मैच टाई होता हुआ सुपर ओवर खेला जाएगा। सुपर ओवर के लिए भाविक भक्ता खिलाड़ियों के नाम देने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। भाविक भक्ता कमेंट्री बॉक्स में आवे प्लीज। सुपर ओवर माटे नाम